हेलो गाइस, वेलकम टू माय किचन। और आने वाला असम सेक्रेटरी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व सॉल्यूशन। ओके, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इफ़ ए इज 30 एंड बी इज 60, देन व्हाट इज Now, what is the value of sine into reassign a point? मतलब ये sin मतलब into है, okay, plus cos a into sin b, तो इसका क्या होगा? देखो, जैसे कि पता है हमें sin ये मतलब 30 है into cos b मतलब 60 है, ये 60 हो गए। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 1 बाई 2, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1 बाई 2। तो अगर मैंने इनको इंटू किया तो ये आता है 1 बाई 4। ओके, ये 1 बाई 4 आएगा इनको इंटू करके। और वैसे ही हम इसको करेंगे तो कॉस ए है, तो कॉस ए को मैं लिखना पड़ेगा, ए है तो 30, साइन बी है तो इसे हमें लिखना पड़ेगा कितना, 60। ओके, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, और इसका भी होता है √3/2। तो देखो यहाँ पे इंटू होगा, यहाँ पे इंटू होगा, और ये 2 × 2 = 4 होगा, और 3 × √3 × √3 √3 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ये प्लस ये, ओके, तो ये प्लस इसमें आया था 1/4, और इसमें आया है 3/4। तो अगर मैंने एलसीएम लिया, तो क्या हो जाएगा? देखो, तो नीचे हो जाएगा 4, और ऊपर मैंने दोनों को प्लस कर लिया तो हो जाएगा 1। ओके, तो इसका आंसर होगा 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी डबल इन 7 years, हाउ लॉन्ग विल टेक टू बिकम्स 3 times। मतलब एक मनी है, वो डबल होता है 7 साल में। मतलब ये प्रिंसिपल होगा, ये और इंटरेस्ट होगा, ये मतलब इंटरेस्ट होगा ना, तो ये 7 साल में होता है। तो एक मनी मतलब 3 times कितने बार होगा? तो ये हो जाएगा 3 times। तो ये मतलब 3 times मतलब ये प्लस 2, तो ये हो जाएगा 14 years। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय। और ये सब छोटे छोटे वीडियो होता है जो आप देख सकते हो, ओके, बहुत जल्दी। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।